सभी ने एक बार फिर से ईशान को गलत समझा। सभी ने एक बार फिर से ईशान के लिए एक गलत फहमी पाल ली। हम आपको बता दें कि यहाँ पर सभी का जो जन्मदिन मनाया गया, उसके बाद जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, वो बेहद चौंकाने वाली है। सभी जो है उसने दुर्वा की सारी बातें सुन ली, जहां पर दुर्वा ये बात कह रही थी कि यहाँ पर जो है ईशान को आदत है चैरिटी करने की और गरीबों की मदद करने की। सभी को ये बात दिल पर लग गई। सभी जानती है कि ईशान उसके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में जानता है। उसे भी यही लगा कि ईशान ने उस पर दया करके ही उसके जन्मदिन का इस तरीके से जश्न मनाया। लेकिन सभी ये नहीं जानती कि ईशान ने इसलिए उसके जन्मदिन का ऐसा जश्न मनाया क्योंकि वो इस बात को लेकर बेहद शर्मिंदा था कि उसने एक नहीं बल्कि कई बार जो है सभी को नीचा दिखाया और सभी को गलत समझा। हालांकि जिस तरीके से दुर्वा की बातें सभी ने सुनी, उसके बाद जो है वो ईशान के पास पहुंच जाती है और ईशान को पैसा देने की कोशिश करती है और ईशान से कहती है कि मैं कोई गरीब नहीं और मुझ पर दया करने की ज़रूरत भी नहीं है। पर यहाँ पर ईशान जो है वो इन सारी चीज़ों से बहुत आहत होता है और हम आपको बता दें कि ईशान जो है वो सभी पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। लेकिन उसे फिर इस बात का अंदाज़ा और ख्याल हो जाता है कि वो अगर ऐसा करेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत दिखेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सभी और ईशान के बीच की दूरियां बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही हैं। यहाँ एक दूसरे को लेकर इनकी कोई ना कोई बात को लेकर गलत फहमियाँ हो ही जाती हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या अगर इन दोनों के बीच में ऐसा ही चलता रहा तो क्या ये लोग कभी भी करीब आ पाएंगे? आप क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएँ।